मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचेगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू तस्नीम डायरीज़। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी, जो दिखने में भी खूबसूरत और खाने में भी बहुत टेस्टी होती है, चिकन लोफ रेसिपी। चिकन लोफ बनाने के लिए आइए सबसे पहले हम डो रेडी करते हैं। यहाँ पर मैंने मैदा 750 ग्राम, मिल्क पाउडर 50 ग्राम, शुगर 2 टेबल स्पून, नमक 1 टीस्पून, ऑयल 2 टेबल स्पून, एक अंडा, ईस्ट 1.5 टीस्पून, शक्कर 1 टीस्पून, जिसे मैंने 10 मिनट पहले ही नीम गरम दूध में एक्टिवेट करने रख दिया था, जिसे हम हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और हसबे ज़रूरत पानी ऐड करके इसे अच्छी तरह से गूंदेंगे और इसका एक स्मूथ सा डो बनाकर रेडी करेंगे। ये देखिए हमारी स्मूथ सी डो बनकर रेडी है। अब हम उस पर ढक्कन देकर 2 से 3 घंटे के लिए राइस होने रख देंगे। तब तक हम स्टफिंग की तैयारी करते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए यहाँ पर मैंने चिकन का कीमा 1/2 kg लिया है, चॉप किया हुआ शिमला 150 ग्राम, चॉप किया हुआ गाजर 150 ग्राम, चॉप किया हुआ ऑनियन 150 ग्राम, चिकन टिक्का मसाला 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, 1.5 टीस्पून ग्रेट किया हुआ जिंजर, 2 टीस्पून विनेगर, चॉप की हुई हरी मिर्च 2 टीस्पून, 200 ग्राम मोजरेला चीज़। अब हम कीमे में 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून तीखा मसाला और विनेगर ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स करके 20 से 25 मिनट के लिए मैरिनेट होने रख देंगे। अब एक पैन को गरम होने रख देंगे, इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल गरम होने के बाद हम उसमें ग्रेट किया हुआ जिंजर ऐड करेंगे और उसे हल्का फ्राई करेंगे। अब हम उसमें चॉप किया हुआ ऑनियन ऐड करेंगे और उसे सॉफ्ट होने तक फ्राई करेंगे। अब हम उसमें हमारी बारीक चॉप की हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे और उसे 10 सेकेंड फ्राई करेंगे। अब हम उसमें हमारा मैरिनेट किया हुआ कीमा ऐड करेंगे और उसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और उसके ऊपर ढक्कन रखकर मीडियम टू लो फ्लेम पर 10 मिनट उसे और पकाएंगे। ये देखिए हमारे 10 मिनट हो गए हैं और कीमे ने पानी रिलीज़ कर लिया है। अब कीमे का पानी ड्राई होने तक उसे पकाएंगे। अब हम उसमें हमारी बारीक चॉप की हुई शिमला मिर्च ऐड करेंगे और उसे 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे। अब हम उसमें हमारी बारीक चॉप की हुई गाजर ऐड करेंगे और उसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम उसमें 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर का पाउडर ऐड करेंगे। अब हम उसमें चॉप किया हुआ धनिया ऐड करेंगे और अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे।
अब हम गैस की फ्लेम ऑफ करेंगे और अब हम स्टफिंग को ठंडा होने रख देंगे। अब चलते हैं हम हमारी डो की तरफ। ये देखिए हमारी डो अच्छे से राइज हो गई है। अब हम मैट पर थोड़ा सा ऑयल अप्लाई करेंगे और हमारे डो को उस पर निकाल लेंगे और उसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से गूंदेंगे। हम डो को 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। अब मैट पर थोड़ा आटा डस्ट करेंगे और एक हिस्से को लेकर हाथों की मदद से इस तरह से उसे बढ़ाएंगे ताकि इजीली रोल हो सके। अब उसे रोलिंग पिन से रेक्टेंगल शेप में बेलेंगे। अब हाथों की मदद से कॉर्नर को इस तरह से शेप दें। अब पिज़्ज़ा कटर की मदद से उसके इस तरह से 5 स्ट्रिप काटेंगे। अब बचे हुए आधे हिस्से के सेंटर पर इस तरह से कट लगाएंगे। अब कट की हुई अल्टरनेट स्ट्रिप्स को इस तरह रखें, ऊपर नीचे इस तरह करके रखें। इस तरह होने के बाद उस पर कट की हुई एक स्ट्रिप रखें। अब पहली फोल्ड की हुई स्ट्रिप इस तरह से रखें और उसी तरीके से सारी स्ट्रिप अरेंज करें ताकि उसका पैटर्न मैट की तरह दिखे। और जो साइड के कॉर्नर है उसे पिज़्ज़ा कटर की मदद से कट कर दें। अब बचे हुए बेस पर इस तरह से स्टफिंग रखें। अब उस पर चीज ऐड करें। अब उसको इस तरह से फोल्ड करें।
और उंगलियों की मदद से उसे इस तरह से प्रेस करें। और उसे इस तरह से रोल करें। और उसके साइड को इस तरह से प्रेस करें। एक बेकिंग ट्रे को ऑयल से ग्रीस करें और उसको उठाकर उसमें इस तरह से रख दें। ये देखिए हमारा लोफ का पैटर्न कितने अच्छे से दिख रहा है। अब हम एक कपड़े की मदद से उसको 10 मिनट के लिए ढककर राइज होने रख देंगे। अब एक अंडे की जर्दी लेंगे और उसमें 1/2 टेबल स्पून दूध ऐड करेंगे और उसे अच्छे से फेटेंगे। ये देखिए हमारे लोफ को रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं और माशाल्लाह से अच्छे से राइस भी हो गए। अब हम उस पर एग वॉश अप्लाई करेंगे। हमारी ओवन को हमने पहले ही प्रीहीट होने रख दिया है। अब हम इसको 180 पर 20 से 25 मिनट के लिए बेक होने रख देंगे। ये देखिए हमारे लोफ माशाल्लाह से अच्छे से बेक हो गए हैं। आप देख सकते हैं हमारे लोफ कितने फ्लफी बनकर रेडी है। अब हम इसको कट करके दिखाते हैं। ये देखिए इसका टेक्सचर कितना सॉफ्ट और स्टफिंग कितनी जूसी है। ये देखिए इसकी चीज़ भी अच्छे से मेल्ट हो गई है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।